नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एक्सपर्ट में। दोस्तों आज तारीख 28 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा, हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान की 18वीं किस्त की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान की 18वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा। ई श्रम कार्ड एक सरकारी पहल है जो भारत के श्रमिकों की मदद के लिए बनाई गई है। इस योजना का लक्ष्य मजदूरों को पैसे की सहायता देना और उनका रहन सहन बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है और 2 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। एक्सिस बैंक नए नियमों के तहत कुछ खास खाता धारकों के खातों में 1 लाख रुपए की जमा राशि की जाएगी। यह योजना उन खाता धारकों के लिए है जो बैंक के नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं। इस योजना को लेकर अपने ग्राहकों को कई लाभ प्रदान किए हैं। इस राशि का उद्देश्य ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जिससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राजस्थान सरकार ने अगले 4 दिनों में रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी है। इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही बस सारथी के लिए ये दिन 9 टारगेट श्रेणी में रखे गए हैं। दरअसल आगामी 27 व 28 दिसंबर को राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान सरकार ने यह तोहफा दिया है ताकि परीक्षार्थी आसानी से पेपर देने के लिए दूसरे शहर में आ जा सकें। जिस तरह से हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर बदलाव देखने को मिलता है, इस तरह 1 सितंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर बड़े बदलाव करने की संभावना जताई जा रही है। अभी देश के लगभग राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत 500 से अधिक कीमतों में मिल रहा है। लगभग 700 से 900 रुपए के बीच सभी राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधाएं सभी लोग ले रहे हैं। सिर्फ और 1 सितंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप जनवरी के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टी लिस्ट जरूर देख लें। इस लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। सुरक्षा गार्ड पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड के रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 11 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो गए हैं, जबकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024 रखी गई है। जानकारी के लिए बता दिए, राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी अपने पसंद के किसी भी मूल्य की दुकान पर जाकर राशन कार्ड की ईकेवाईसी करा सकते हैं। यह व्यवस्था खास उन लोगों के लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि पहले राशन कार्ड ईकेवाईसी के लिए उन्हें गृह जिले तक आना पड़ता था। बता दें कि ईकेवाईसी के साथ अपने राशन कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से बगैर जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना को 2 स्तरों पर संचालित किया जा रहा है। इसमें एक पीएम आवास योजना शहरी और दूसरी पीएम आवास योजना ग्रामीण है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सब्सिडी और लोन का प्रावधान मिलता है। एयरटेल का 155 रुपए का नया रिचार्ज प्लान उन ग्राहकों के लिए वरदान है जो कम खर्च में अधिक सुविधा चाहते हैं। यह प्लान विशेष रूप से छात्र, घरेलू महिलाओं और कम आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है। इस पैक में आपको 84 दिन किसी भी नेटवर्क पर मुफ्त कॉल मिलेगी। दैनिक सीमा के साथ प्लान में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों के लिए कटाई और परागमन परमिट लेने की जरूरत से सागौन, गुर्जर और मेरांती जैसे देसी लकड़ी की उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को छूट देनी चाहिए। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष पॉक्सो अदालत ने अपने किशोर सौतेली बेटी से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने और जबरन गर्भपात करने के जुर्म में 50 वर्षीय बढ़ई को 10 साल आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के मेयर फिराद हकीम में ओसडी के खिलाफ शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। उक्त ओसडी की पहचान कालीचरण बनर्जी के रूप में हुई है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्य द्वारा उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे लोगों को ठगने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमेरिका में अपने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से खुद के बारे में गलत जानकारी देने के लिए कोर्ट बेंड काउंटी के न्यायाधीश केपी चोर्स को बृहस्पतिवार शाम को जेल में भेज दिया गया है। फोर्ट बेंडी काउंटी के न्यायाधीश रिकॉर्ड के अनुसार न्यायाधीश के तौर पर अपने चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाई गई है।
ईडी ने कथित तस्करी के गिरोह में संबंधित लगभग 100 करोड़ रुपए के धन संशोधन मामले में तेलंगाना के राजस्व मंत्री श्रीनिवास रेड्डी और कुछ अन्य लोगों से जुड़ी कई परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पंजाब में पंचायत समिति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसी खबर है कि पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई खबर का खंडन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जून में शिवकोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हुए घातक आतंकवादी हमले की जांच के तहत शुक्रवार को राजौरी और रियासी जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि NIA अधिकारी जम्मू कश्मीर में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुझसे मिलने का अनुरोध किया है। मैं कल सुबह करीब 9:30 बजे ट्रंप टावर में मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जो हो रहा है वह शर्मनाक है। इतनी मौत, इतना विनाश, यह एक भयानक बात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को राज्य संचालित अस्पतालों में सभी रोगी कल्याण समितियों को भंग कर दिया है और कहा कि चिकित्सकों, नर्सों और स्थानीय पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाली नई समितियों का नेतृत्व अस्पताल के प्रचारियों करेंगे। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर देर रात तक जमकर हंगामा होता रहा। पहले यह चुनाव 26 सितंबर यानी गुरुवार को होना था, लेकिन हंगामे के चलते चुनाव टल गया। इसके बाद मेयर सैंडी ओबरॉय ने एक आदेश में 5 अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया है। इसराइल और हिजबुल्ला के खिलाफ जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इसराइल वायुसेना ने यह दावा किया है कि वे बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के एयर कमांड के एयर कमांडर महमूद हुसैन सरूर को मार गिराया है। GRP ने प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2 झोलों में रखे गए 10 कछुओं बरामद किए हैं। उनकी तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। GRP ने इसकी जानकारी दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शिव शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि वे ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे जोराट मजुली पुल के काम के हस्तक्षेप करें ताकि पुल का निर्माण पूरा हो सके। दोस्तों, आपको यह खबर कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।